नमस्कार दर्शक बंधु, आज 13 अगस्त मंगलवार नहीं आसीचु आपण मानक आजिकार 20 बड़ खबर जहाँ जाणि रखिए आपण मानक निहाती आवश्यक। तेज वीडियो को गोटे लाइक देवा सहित चैनल को नुआक आसी सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को अन कर दिंतु प्रतिदिन अपडेट खबर गुड़िक सब जानापी। नंबर 1, 5 वर्ष पर ओडिशा रे केही भूमिहीन एवं बासहीन रहिबेनी। गरीब भूमिहीन एवं बासहीन को घर निर्माण पर जमि जगै दिआछबो। एपरिकि सही जमि रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर विद्युत पानीय जल एवं उज्ज्वला योजना रे गैस जगै देबार व्यवस्था करा जिवो। 5 वर्ष रे घरर पूर्णांग पैकेज गरीब लोकंकु जगै देबो। गतकाल एपरी कहिसेंति राज्यस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसेंति ग्रामांचल रे वर्ष वर्ष धरि सरकारी जगारे रहिबा सत्वे भूमिहीन गरीबंकु घर डीह बा पटा मिलुनी। जो मानकर वार्षिक आय लक्षे टंका रहितबो समानकु 4 डिसमिल लेखाएं जमी पटा प्रदान करा जिवो। जो गरीब माने सरकारी जगारे घर करितबे जदि से ही जग आपत्तिजनक नथिबो ताहाले सेथिरु 4 डिसमिल जगार पटा प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जिवो। जदि से ही जग आपत्ति थिबो ताहाले समानकु अण आपत्तिजनक 4 डिसमिल जगाई दिया जिवो। सहीपरि सहरांचल रे विभिन्न बस्ती रे बास करथुबा भूमिहीनक चिन्हट प्रक्रिया चलीछ बोली मंत्री कहिसेंति। नंबर 2, वयोज्येष्ठ लोकंक अधिकार पई आगकु आसिबो बिजेडी। 16 अगस्ट जनजागरण अभियान निर्वाचन इस्तिहार रे बीजेपी देथिबा प्रतिश्रुति पूरण न करबा नै प्रतिक्रिया रखिले नवीन पटनायक। एक्स रे बीजेडी सुप्रीमो ट्वीट करी लेखिछंती जे बीजेपी तार निर्वाचनी घोषणा पत्र रे भत्ताधिकारींकु 3000 तथा 3500 टंका प्रदान पई प्रतिश्रुति देथिला। एथिरे वयस्क भिन्नक्षम विधवा तथा निराश्रय माने सामिल थिले। हेले बजेट कहा जाइछि जे केवल 80 वर्ष वयस्कर अधिक वयस्क एवं 80% अक्षमता थिबा भिन्नक्षम एही वर्धित भत्ता पाइबे। 45,000 कोटि टंकार ऋण नै मध्य घोषणा पालन करा जाउ नाही। एथिरु पूरा स्पष्ट होउछि जे भत्ताधारी वयस्क तथा समस्त ओडिशावासीक सहित प्रतारणा होइछि। एनी 16 अगस्त बीजेडी जनजागरण अभियान आरंभ करबाकु जाउछि। प्रति पंचायत रे एनी सचेतनता कार्य करा जिवो बोली बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक कहिछन्ति। नंबर 3, कठोर हेले सरकार बार रे मद डांस मना। राज्य में नुआ अबकारी नीति लागू होगा पूर्व राज्य सरकार कठोर होती। राजधानी भुवनेश्वर थिबा लाइसेंस प्राप्त ठिपी खोला विदेशी मद दोकानगुड़िक आउ निजर बार परिसर रे मद सहित डांस करिपारिबे नाही। एपरिकि जो ठिपी खोला विदेशी मद लाइसेंस प्राप्त दोकान निजर अनुमोदित स्थान ठू अन्य स्थान बा सही कोठारे अन्य स्थान रे अतिरिक्त बार करथिबे ताकु मध्य तुरंत बंद करबा को निर्देश दिया जाय छी। यह सहित जातीय राजपथ एवं राज्य राजपथ को दृश्यमान हेला भड़ी मद दोकान साइन बोर्ड तुरंत हटाइबा को मध्य निर्देश दिया जाय छी। भुवनेश्वर अबकारी जिला अधीक्षक गतकाली निजर समस्त अबकारी उप अधीक्षक इन्स्पेक्टर एवं अबकारी थाना अधिकारी को निर्देशनामा जारी करी अबकारी आईन एवं नियम को उल्लंघन करथुबा लाइसेंसधारी विरुद्ध में कठोर कार्यानुषान ग्रहण करने को तागिद करछन्ति। नंबर 4, नुआखाई रे मिलिबो सीएम किसान टंका। नुआखाई अवसर रे चासी को मिलिबो सीएम किसान योजना टंका। एथिबे नुआ सरकार को प्रस्तुति चूड़ांत रे पहुंची छे। तबे काड़िया योजना एवं सीएम किसान योजना हिताधिकारी तालिका नै द्वंद्व लागी रहितबा बेले चासी को पई खुशी खबर आसी। काड़िया योजनार ना बदली सीएम किसान योजना होइछि, किंतु काड़िया योजना रे जेउ हिताधिकारी माने सहायता पाउथिले समानकु सीएम किसान योजना टंका मिलिबो कि नाही सेनी संदेह रहिछि। हेले सबु भितरे चासी को पई भलो खबर आसी। सेप्टेम्बर 8 तारीख में पड़ुवा नुआखाई पर्व अवसर में चाषी को सीएम किसान टंका देवा योजना करिछंती नुआ सरकार। मुख्यमंत्री फाइल रे दस्तखत करने चाषी खाता को जीव सीएम किसान टंका। नुआखाई पश्चिम ओडिशार गणपर्व होइथिबार एहि अवसर में चाषी खाता को टंका पठेबा को लक्ष्य रखिछंती मोहन सरकार। नंबर 5, आज ठारु राज्य में प्रबल वर्षा, 17 जिला को अलर्ट। आज राज्य में 17 जिले में प्रबल वर्षा, किसी स्थान में वज्रपात होबार संभावना रही। मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिले में प्रबल वर्षा हेबो बोली भारतीय पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सेहिपरि 14 तारीख में अर्थात आसंता काली मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और सुंदरगढ़ जिले में प्रबल वर्षा हेबो। 15 तारीख में मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, सुंदरगढ़ समेत भद्रक और जाजपुर जिले में प्रबल वर्षा हेबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। नंबर 6, घरे त्रिरंगा लगाई सोशल मीडिया रे फोटो पोस्ट करने को अनुरोध कले मुख्यमंत्री। राज्य में हर घर त्रिरंगा अभियान शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी।
लोकसेवा भवन रे हर घर त्रिरंगा कानवास रो दस्तखत करबा सहित त्रिरंगा पताका देखाय शुभारंभ कले अभियान। एही कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, मत्स्य एवं पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक जगदै दस्तखत करथिले। तबे एही अवसर रे समस्त मंत्री माने त्रिरंगा उडाइथिले। तबे 9 तारीख रु 15 तारीख जे राज्य रे हर घर त्रिरंगा कार्यक्रम रे जोडी हेबा को आह्वान देथिले मुख्यमंत्री। निज घरे त्रिरंगा लगाइ सोशल मीडिया रे फोटो पोस्ट करबाकु भी मुख्यमंत्री अनुरोध करथिले। बर्षभेन गेरुआ होइगला ढाका सहर, एकाठी हेले 10 लाख रु अधिक हिंदू, थरी उठुछि बांग्लादेश। बांग्लादेश रे खरा स्थिति लागि रहिछि। बांग्लादेश रे हिंदू क्रिश्चियन एवं अन्य मानक विरोध रे हिंसा आरंभ होइछि। हेले एते दिनर अत्याचार सही सही गतकालि पुणि थरे राजरास्ता कोल्हाइछन्ति लक्ष लक्ष हिंदू। शांतिपूर्ण भावरे करुछन्ति प्रतिवाद। एका सांगरे समस्तक ठारु शुभुछि महामंत्र जय श्रीराम, जहाँ को वीडियो वर्तमान सोशल मीडिया रे वायरल होबार लागिछि, जहाँ कोटि कोटि लोकंक हृदय को छुई जाइछि। वीडियो रे गेरुआ रंगर पोशाक पिंधि हिंदू माने एकता देखाउथुबार देखा जाउछि। नंबर 8, हसीना को फेराई आणिबा को अंतरीण सरकार रखिले सर्त, कहिले आमे शत्रुता चाहुनु। आयन मंत्रालय अनुरोध कले जे पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को फेराई आणिबा पई पदक्षेप नियाजिबो। या कहिछन्ति बांग्लादेशर अंतरीण सरकार। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशर नूतन अंतरीण सरकारर मुख्य भावे निर्वाचित होइछन्ति। वैदेशिक व्यापार परामर्शदाता मोहम्मद ताहिद हुसैन कहिछन्ति जे एहा जरूरी जे लोकमाने अनुभव करबा उचित जे भारत बांग्लादेशर जणे भल बंधु। आमे एहा चाहू ढाका एवं दिल्ली मध्यरे थिबा संपर्क को सेहि दिगकु नेबाकु चाहूछु। बांग्लादेशर मध्यवर्ती कालीन सरकार चाहूछन्ति जेहि प्रसंगरे भारत सहयोग करन्तु। आयन मंत्रालय अनुरोध करिछन्ति जे पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को फेराइ आणिबा पई से पदक्षेप नेबे। नंबर 9, कनेस्टबल पदवी पई बम्फर नियुक्ति, दशम पास करथिले करंतु आवेदन, दरमा 70,000 टंका। इंडो तिब्बतीय सीमा पुलिस फोर्स बा आईटीबीपी रे कनेस्टबल पाइनर पद पदवी पई नियुक्ति रहिछि। पुलिस विभाग रे सरकारी चाकरी बा सेंट्रल पुलिस चाकरी खोजुथवा युवक मानक पई एहा को उत्तम सुजोग। ए पदवी माध्यम रे मोट 202 खाली पदवी नियुक्ति कराचिबो। एपरि परिस्थिति रे पदवी पई आवेदन करबा को चाहुथबा प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in को जाई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरण करिपारिबे। आईटीबीपी द्वारा प्रकाशित ही पदवी पई आवेदन प्रक्रिया काली ठारु आरंभ होईछि। प्रार्थी मानको एथि पई आवेदन करबाकु 10 सेप्टेंबर 2024 पर्यंत समय दियाजिबो। नंबर 10, आरआरबी पारा मेडिकल रिक्रुटमेंट, पूरण हेबो 1300 अधिक पदवी। अनेक युवक मध्य भारतीय रेलवे रे चाकरी करबाकु स्वप्न देखुथांती, तबे एने आरआरबी नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। विज्ञप्ति अनुसार पारा मेडिकल पदवी पूरण हेबो। ए नियुक्ति माध्यम रे नर्सिंग अधीक्षक, स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड 3, फार्मासिस्ट लैबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 समेत अनेक पदवी पूरण हेबो। एनी ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करबाकु पड़िबो। उभय पुरुष एवं महिला आवेदन करिपारिबे। नियुक्ति माध्यम रे 1300 अधिक पदवी पूरण हेबो। योग्य एवं आग्रही प्रार्थी माने आरआरबी रो ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailways.gov.in को जाई आवेदन करिपारिबे। ऑनलाइन आवेदन रो शेष तारीख रहिछि 16 सेप्टेम्बर। नंबर 11, एथर दिलीप ट्रॉफी रे रोहित बनाम कोहली। विराट कोहली रोहित शर्मा घर टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी खेलुथवार नजर आसिबे। आसंता 5 सेप्टेम्बर आंध्रप्रदेश आनंदपुर खेलाजिबो दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट। सेप्टेम्बर 24 जाए खेलाजिबो एही टूर्नामेंट। रिपोर्ट मुताबक एही टूर्नामेंट रे शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा, यशस्वी जयसवाल, सूर्यकुमार यादव एवं कुलदीप यादव खेलुथवार नजर आसिबे। कहिबाकु गले टीम इंडिया रो सिलेक्टर एही समय रे दिलीप ट्रॉफी जरिया रे बांग्लादेश एवं ऑस्ट्रेलिया विपक्ष खेलाड़ी को फॉर्म परखिबे। भारतीय टीम आगकु 4 मास भितरे मोट 10 टेस्ट मैच खेलिबो। एथिरे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज शामिल रहिबो। सेहिबडी बांग्लादेश भारत मध्य रे प्रथम टेस्ट मैच चेन्नई रे 19 सेप्टेम्बर रो खेलाजिबो। नंबर 12, प्यारिस रु भारत नवासी जर्मानी गले नीरज चोपड़ा। भारतर डबल ओलंपिक्स पदक विजेता नीरज चोपड़ा घर बाहुडा विलंब होईछि। प्यारिस ओलंपिक्स रे देश पई जावलिन रे रौप्य जितिथिबा नीरज सेठारु भारत आसिबा परिवर्ते जर्मानी चली जाइछन्ति। दीर्घ दिन धरी जंघरे आहत जनित समस्या दे गति करथुबा नीरज जर्मानी रे डाक्तरक परामर्श पई जाइछन्ति। जर्मानी रे नीरज प्राय 1 मास धरी रहिबे। निजर आहत समस्या केते गुरुतर तार जांच करबे। डाक्तरक परामर्श परे से डायमंड लीग समेत बाकी बड़ इवेंट रे भाग नेबे कि नहीं से कथा घोषणा करिवे। नंबर 13, नुआपड़ार झियो जितिले स्टार मिस टीन इंडिया। बण मल्लीपुरी राजस्थान रे महकिले ओडिया झियो आद्यांशा पाणीग्राही आ जितिले स्टार मिस टीन इंडिया क्राउन। 35 जन प्रतिजोगी को पछरे पकाई से एही क्राउन जितिछंती। नुआपड़ा जिला कमोना ब्लॉक रो भेला गांव रो 18 वर्षीय झियो आद्यांशा पाणीग्राही स्टार मिस टीन इंडिया क्राउन जीति से राज्य एवं गाँव पर गौरव आनीछंती। एथिपाई से बेंगलुरु रे ऑडिशन देथिले। प्रथम प्रक्रिया रे से सिलेक्शन होइथिले। तापर से फाइनल राउंड पर राजस्थान रो जयपुर जाइथिले।
ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ 35 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଜୋରି ସଦସ୍ୟ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆଦ୍ୟାଂଶା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜିତିଥିଲେ ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନମ୍ବର 14। ରୁଷରେ ହଜାରେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କବ୍ଜା ନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦାବି, ପୁତିନ୍ କହିଲେ ଆଉ ହେବନି ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତା। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରୁଷର ହଜାରେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସୈନିକ ରୁଷର ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିଆଁବାଣ ହୋଇ ପୁତିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତ ଯେ ଶତ୍ରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଏଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ବିଦା କରିବା ଏବଂ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ପୁତିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛି ଯେ ଏବେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15। ଆସିଲା କଙ୍ଗୁବାର ଧୂଆଁଧାର ଟ୍ରେଲର, ଆନିମଲ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ବବି ଦେୱାଲ। ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି, କାରଣ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ କଙ୍ଗୁବାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସାଉଥ୍ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବବି ଦେୱାଲ, ଦିଶା ପାଟାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବଜେଟ 350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। କଙ୍ଗୁବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସମୟର କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ। ଟ୍ରେଲରରେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ହଲଚଲ, ଖସିଲା ଆଦାନୀଙ୍କ ସେୟାର। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ସୋମବାର ପାଲଟିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଡେ। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସକାଳୁ ଖୋଲିଥିଲା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ତେବେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଆଦାନୀ ସେୟାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 17% ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 9:15ରେ ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ସେୟାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ BSEରେ ପ୍ରାୟ 17% କ୍ଷତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କାରବାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ସେୟାର ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 17। ଆଳୁ ପରେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପିଆଜ, ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆଳୁର ଚଢ଼ା ଦରରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପିଆଜ। କିଛି ଦିନ ତଳେ 20-25 ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପିଆଜ ଏବେ 40 ପାର କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆଳୁ ପରେ ପିଆଜ ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ। ନାସିକରେ ଦର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗେଣିଆ ଗୋଦାମରେ ପିଆଜ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 4200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମାନେ ପିଆଜ ଗୋଦାମରେ ହୋଲସେଲ୍ ଦର କିଲୋ ପିଛା 4200ରୁ 4300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ରେଟ୍ ରହିବ, ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଥାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଦର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏଠାରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ବଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ମମତା କହିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କିଛି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହିତ ମାରପିଟ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ଏଥିସହିତ ମମତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆସିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 19। ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ଜବତ ହେଲା KG ସୁନା ସହିତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ 9 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଘରୁ KG ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି USA, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, UAE, କାନାଡ଼ା, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁରର ମୁଦ୍ରା। ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏ ଆଧାରରେ 12 ଜଣ DSP, 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 16 ଜଣ ASI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20। ନବାଗତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି JP ନଡ୍ଡା, ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ JP ନଡ୍ଡା।
तबे पॉलिटिकल सक्सेस मंत्र आउ नीति नैतिकतार पाठ पढ़ाइबे केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विधायकों आचरण उच्चारण शिखाइबे केन्द्र मंत्री जुएल ओराम आसंता 17-18 तारीख में दुई दिन धरी विधानसभा चलो विधायकों तालीम कर्मशाला 18 तारीख में दिनिकिया ओडिशा गस्तर आसी सबु नवागत विधायकों गुरुमंत्र देवे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री पी नड्डा कार्यक्रम में केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू जोग देवार कार्यक्रम रही प्रथम थर पर ओडिशा सरकार को आसी बीजेपी जेहेतु शासक दल में प्राय 60 जन नुआ विधायक अच्छा तेणु सरकारी दल में थी से भूमिका विरोधी को गठनमूलक काउंटर आंचलिक समस्या को गुरुत्व और गृह आचरण उच्चारण विषय पाठ पढ़ाइबे नड्डा देखा शेष खबर ओलंपिक्स स्वर्ण जितिबा परे अर्षद को मईसी उपहार देवे शशुर पाकिस्तान स्टार जाभलीन थ्रोर अर्षद नदीम प्यारिश ओलंपिक्स स्वर्ण पदक जीति भारत नीरज चोप्रा को पछरे पकाई से एही कारनामा रचिछन्ति स्वर्ण जितिबा परे अर्षद को गोटिए परे गोटिए उपहार सुओ छुटुछि प्रथमे तांकु प्राय 5 मिलियन डॉलर मिलिछि पुरस्कार भावरे एबे किंतु स्वर्ण विजेता अर्षद को उपहार उपरे एक मईसी मिलिबो तांकर शशुर तांकु एही स्वतंत्र उपहार प्रदान करिबे अर्षद को शशुर मोहम्मद नवाज आंचलिक गणमाध्यम सहित कथा समय यहीबार जमापड़ तेज अर्षद गांव में मईसी उपहार को बहुत मूल्यवान और सम्मानजनक रूपे विवेचना कराए